हेलो फ्रेंड्स वेलकम हेयर हाई यू ऑल आई होप यू ऑल आर डॉइन गर्ल्ड मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर एंड आज की रीडिंग है कि नेक्स्ट सिक्स मंथ्स में आपके लाइफ में क्या अनएक्सपेक्टेड और मेजर ट्रांसफॉर्मेशन और मेजर चेंजेस होंगे राइट कुछ चीज़ों के लिए आप बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं और सम टाइम लगता है वो चीज़ें होंगी ही नहीं और अनएक्सपेक्टेडली वो हो जाती हैं ब्रैकुलसली वो हो जाती हैं और हम सरप्राइज हो जाते हैं लाइक कि जब हम होप छोड़ देते हैं तभी वो चीज़ें एकदम से प्लेस में ले आ जाती हैं और सडनली वो चीज़ें हो जाती हैं राइट right? और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनके बारे में हमने सोचा ही नहीं होता और एकदम सरप्राइजिंगली वो चीज़ें लाइफ में हो जाती हैं तो नेक्स्ट सिक्स मंथ्स में आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेड और मेजर और ब्यूटीफुल और सरप्राइजिंग कौन से चेंजेस आने वाले हैं तो ये रीडिंग होगी उस टॉपिक पर एंड ये रीडिंग टाइमलेस है जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी ये रीडिंग जनरल है तो जितनी रेजोनेट करें उसको रखें एंड लीव द रेस्ट ओपन माइंड से देखें पॉजिटिव रहें ऑप्टिमिस्टिक रहें अब हम बताते हैं कि कौन कौन से पाइल हैं पाइल नंबर वन है द मून पाइल नंबर टू है द सन मैं पास से दिखा देती हूँ जोन सा पाइल आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आपको उसको चूज करना है एंड वहां से अपनी रीडिंग को देखना स्टार्ट करना है विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम भी चलते हैं रीडिंग की ओर एंड चेक करते हैं कि आपके कार्ड्स क्या कहते हैं वेलकम पाइल नंबर वन जिन्होंने द मून का कार्ड चूज किया है आप लोग काफी इमोशनल काफी सेंसिटिव काफी गुड लुकिंग एंड आपकी वाइटिश वाइटिश is, uh, या फिर होता है ना कि बहुत सॉफ्ट स्किन हो सकती है आपको वाइट कलर काफ़ी पसंद हो सकता है आप लोग काफ़ी इंट्यूटिव हो सकते हो रिश्तों को खोने का डर इनसिक्योरिटी अलोननेस सैडनेस सम टाइम आप लोग हो जाते हो एंड डरते हो कि कोई रिश्ता आपके हाथ से निकल ना जाए जिससे आप प्यार करते हो वो आपको छोड़ ना दे इनसिक्योरिटीज रहती हैं कंपैटिबिलिटी लोगों से कम बनती है अकेले लाइफ में ज़्यादा रहते हो ऐसी पॉसिबिलिटी है आप लोगों के साथ इंट्यूटिव आप लोग काफ़ी ज़्यादा हो माता रानी में आप में से काफ़ी लोग विश्वास करते हैं टेन फाइव थ्री नाइनटीन ट्वेंटी एट वन टू इंपॉर्टेंट डेट्स आप लोगों के लिए हो सकती हैं सिक्स हो सकती है सिक्सटीन हो सकती है सेवनटीन हो सकती है ट्वेंटी एट हो सकती है देखते हैं कि अब बचे हुए कार्ड्स का कहते हैं कि आपके लाइफ में मेजर और अनएक्सपेक्टेड क्या हो सकता है इन नेक्स्ट सिक्स मंथ तो इन नेक्स्ट सिक्स मंथ्स आप लोगों के लाइफ में फर्स्ट कार्ड है द सन थर्टी वन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नंबर या इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है द सन इज इम्प्लाइंग द मून एंड द सन क्या आप में से काफ़ी लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन से डील कर रहे हो मैरिज के लिए देख रहे हो और जो लोग नहीं भी डील कर रहे हैं बैलेंस आ रहा है आप लोगों की लाइफ में मून से रात है सन से दिन है दिन से रात है रात से दिन है दोनों जगह बैलेंस है तो क्या लाइफ है तो आप लोगों की लाइफ में बहुत बैलेंस आ रहा है इन नेक्स्ट सिक्स मंथ्स में सुकून आ रहा है रिलैक्स आ रहा है एंड योर नेक्स्ट कार्ड इज कार्ड नंबर ट्वेंटी फाइव रिंग ठीक है ट्वेंटी फाइव डेट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है अगर आपको किसी के प्रपोजल का इंतजार है किसी के कन्फेशन का इंतजार है तो डेफिनेटली विद इन नेक्स्ट सिक्स मंथ्स आपको वो प्रपोजल वो कन्फेशन वो कमिटमेंट मिलने वाली है एंड अगर आपको मैरिज का वेट है तो यहाँ पे आप लोगों का खुद का होम दिखाई दे रहा है खुद का हाउस दिखाई दे रहा है हैप्पी फैमिली दिखाई दे रही है आपके किड्स दिखाई दे रहे हैं और आप लोग हनीमून पे जाते हुए भी नेक्स्ट सिक्स मंथ्स में दिखाई दे रहे हो अगर आप लोग बहुत टाइम से ज्वेलरी खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो नेक्स्ट सिक्स मंथ्स में डेफिनेटली आप ज्वेलरी खरीदने वाले हो और काफ़ी अच्छी ज्वेलरी खरीदने वाले हो काफ़ी हैवी ज्वेलरी खरीदने वाले हो बके बुके नेक्स्ट कार्ड है बुके का एंड द कार्ड नंबर इज़ नाइन तो नाइन डेट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है और बुके इज़ इम्प्लाइंग अगेन कि आपकी लाइफ में खुशबू आने वाली है आपकी लाइफ में महक आने वाली है आपकी लाइफ में रौनक आने वाली है आपकी लाइफ में अबंडेंस स्टेबिलिटी और एक नई शुरुआत आने वाली है और बुकेज इम्प्लाइंग की सबके मिलजुल कर सबके साथ आप लोग इस लाइफ को इंजॉय करने वाले हो तो नेक्स्ट सिक्स मंथ्स में मेजर चेंज आप लोगों के लाइफ में आ रहे हैं आप लोग ज्वेलरी खरीद सकते हो आप लोग अपना घर बना सकते हो आप लोग मैरिज कर सकते हो आप लोगों की एंगेजमेंट हो सकती है आप लोगों को कोई प्रपोजल मैरिज के रिगार्डिंग आ सकता है और आप लोग काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हो सकते हो एंड आपकी लाइफ मुझे फूलों की तरह बुके की तरह महकती हुई दिखाई दे रही है अबेंडेंस आ रही है लाइफ में सिक्योरिटी आ रही है लाइफ में पैशन आ रहा है लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छी स्टेबिलिटी आ रही है लाइफ में बैलेंस आ रहा है लाइफ में ग्रो कर रही है लाइफ ठीक है एंड द नेक्स्ट कार्ड इज ट्वेंटी फोर नंबर कार्ड द हार्ट एंड डेफिनेटली ट्वेंटी फोर डेट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है और हार्ट इज इम्प्लाइंग कि बहुत से लोग लव एंड रिलेशनशिप में हैं एंड डेफिनेटली वो इंप्रूवमेंट चाहते हैं और डेफिनेटली यहाँ पे इंप्रूवमेंट आ भी रही है बैलेंस भी आ रहा है और अगर बैलेंस नहीं बना पा रहे हो तो बैलेंस बनाओ ये आपके लिए एडवाइस कार्ड है एंकर है डेफिनेटली आप में से काफ़ी लोग क्रिश्चन्स हो सकते हैं आप लोग आप में से काफ़ी लोग शिव भक्त हो सकते हैं माता रानी के भक्त हो सकते हैं थर्टी फाइव नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आप में से किसी की एज हो सकती है ट्वेंटी फोर थर्टी फाइव ट्वेंटी फाइव थर्टी वन ठीक है या आपके पर्सन की आपकी और डेफिनेटली आप लोगों के रिश्ते में एंजल की ब्लेसिंग्स डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके सुप्रीम पावर की ब्लेसिंग्स के साथ सिक्योरिटी एंड अवेरनेस आ रही है वेल well, सेटलमेंट आप लोगों के रिश्ते में आ रही है और अगर आप लोग बहुत टाइम से फोरन टूर प्लान कर रहे हो कहीं विजिट करना चाहते हो कहीं ट्रैवल करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है नेक्स्ट कार्ड इज विप्स जो भी नेगेटिवी आपकी लाइफ नेगेटिविटी आपकी लाइफ में है जो भी ब्लॉकेज आपकी लाइफ में है जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप मुकम्मल नहीं हो पा रहे आप लोग सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे डेफिनेटली उन चीज़ों को आप कहते हैं ना जब झाड़ू लगता है तो पूरा घर साफ हो जाता है क्लीन हो जाता है उन सारी ब्लॉकेजेस परेशानियों को आप रिमूव करके कॉन्फिडेंटली नेक्स्ट सिक्स मंथ्स में ग्रो करने वाले हो वेल well स्टेबल होने वाले हो वेल well सेटल होने वाले हो मैरिज एंगेजमेंट रिकन्सिलेशन रियूनियन बैलेंस प्रोपोजल डिवाइन के साथ एक डीप और इंटेंस कनेक्शन और सारी नेगेटिविटी को रिमूव करके कॉन्फिडेंटली लाइफ में आगे बढ़ना और इसके लिए फर्स्ट एडवाइज़ बैलेंस सेकेंड एडवाइज़ ट्रस्ट ऑन डिवाइन थर्ड एडवाइज़ बी पॉजिटिव फॉर ऑल ऑफ दिस जो भी चाहते हो उनके लिए पॉजिटिव रहो सो so दैट वही अट्रैक्ट हो और आपको मिले एंड द लास्ट एडवाइज़ की जो भी नेगेटिविटी है उसे रिमूव करने की हिम्मत अपने अंदर लेकर आओ वो तभी हिम्मत आएगी जब आप ऑप्टिमिस्टिक रहोगे पॉजिटिव रहोगे तो ये थी रीडिंग्स जिन्होंने फाइल नंबर वन चूज़ किया नेक्स्ट सिक्स मंथ्स फॉर यू दाम शेयर रिजनेट की होगी पसंद आई होगी अगर की है पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स भी बुक करा सकते हो जिनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी अवेलेबल है बाय फॉर नाउ हैव अ गुड डे टेक केयर वेलकम पायल नंबर टू जिन्होंने ब्यूटीफुल सन का कार्ड चूज किया है टेन इलेवन नाइन ट्वेंटी ट्वेंटी वन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं इंपॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं uh, सूर्य की पूजा जरूर करें अगर आप बिलीव करते हैं तो चढ़ते सूरज को जरूर देखें उसको प्रणाम करें सूर्य नमस्कार जरूर करें एंड येलो साइन आप लोगों के लिए प्रोमिनेंट हो सकता है येलो कलर दैट मीन्स एंड येलो कलर का आप लोग कोई हाथ में धागा बांध सकते हैं सो so दैट आपकी लाइफ में सारी नेगेटिविटी रिमूव हो जाए और जल्दी से एनलाइटनमेंट आए आप लोग अपने पास टोर्च रख सकते हैं अपने आप आसपास येलो कैंडल जला सकते हैं और आप लोग डेफिनेटली द सन इज एम्प्लाइंग कि सन की तरह ब्राइट होने वाले हैं इन नेक्स्ट सिक्स मंथ में सारी नेगेटिविटी को रिमूव करके आगे बढ़ने वाले हैं जैसे सूर्य निकलता है तो रात का पूरा अंधेरा छट जाता है कुछ ही घंटों में वैसे ही नेक्स्ट सिक्स मंथ्स में जब आप ग्रो होंगे जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लाइफ में सारी ब्लॉकेजेस सारी नेगेटिविटी रिमूव हो जाएगी देखते हैं बचे हुए कार्ड्स क्या कहते हैं द टावर डेट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है एंड द टावर इज एम्प्लाइंग कि आप लोग ना अगर अपना घर अपना खुद का हाउस अपने खुद का एम्पायर अपने खुद की सक्सेस चाहते हो तो नेक्स्ट सिक्स मंथ्स में डेफिनेटली आप वो चीज़ें कर लोगे लेकिन उसके लिए आपको कॉन्फिडेंट रहने की बहुत ज़रूरत है और जो कुछ आपके पास है उसको यूज़ करते हुए पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ने की बहुत ज़रूरत है ज़्यादा के चक्कर में जो कम है उससे हाथ ना गवाना ये मेरा एडवाइस है एंड ऑप्टिमिस्टिक रहना पॉजिटिव रहना मेहनत करना स्ट्रगल करना हार्डवर्क करना डेफिनेटली आपके अंदर वो पावर है वो स्ट्रेंथ है कि आप अपना खुद का टावर अपना खुद का एम्पायर खड़ा कर पाओगे नेक्स्ट कार्ड है चॉइसेस नेक्स्ट सिक्स मंथ्स में अगर आपको लगता है कि आपके पास तो कोई चॉइस ही नहीं है चाहे वो वर्क के बिहाफ से है चाहे वो रिश्तों के बिहाफ से है कि आपके पास तो कोई चॉइस ही नहीं है एक ही चीज़ है एक ही रास्ता है एक ही जॉब है एक ही पर्सन है एक ही फ्रेंड है और जैसे जो है एक ही है और आपको उसी के साथ गुजारा करना है तो मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट सिक्स मंथ्स में आपको बहुत सारी चॉइसेस मिलने वाली है एंड आप सोचने वाले हो कि यार मैं इतना स्पेशल कैसे हो गया मैं इतनी स्पेशल कैसे हो गई यू so, नो you know, मुझे इतने सारे लोग पूछ रहे हैं मेरे पास इतने सारी चॉइसेस हैं अब मैं क्या चूज करूं कैसे चूज करूं किस तरीके से चूज करूं राइट किसको प्यार करूं <laughs> कैसे प्यार करूं एक वाइब्रेशन और एक गाना आ रहा है मेरे माइंड में और एक मूवी थी आ, कपिल शर्मा की आई थिंक किस किस को प्यार करूं कुछ इस तरह का नाम था उसका आई डोंट नो कि एग्जैक्ट नाम क्या था अगर आपको पता है तो बताना तो डेफिनेटली बहुत सारे ऑप्शन बहुत सारी चॉइस बहुत सारी सीढ़ियाँ बहुत सारे रास्ते आपके लिए खुलने वाले हैं तो यहाँ पे एडवाइज़ रहेगा कि वाइजली किसी एक रास्ते को चूज़ करें एंड द नेक्स्ट कार्ड इज़ नंबर सेवन एंड दैट इज़ स्नेक डेफिनेटली जो भी नेगेटिविटी है जो भी परेशानी है जिसकी वजह से आप स्टक हैं आपको लगता है आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं वो नेगेटिविटी वो परेशानी दूर होने वाली है एंड अगर आप शिवजी में बिलीव करते हैं ओम नमः शिवाय का डेफिनेटली जप कीजिए ठीक है क्योंकि बहुत गुड है आपके लिए वाइब्रेशन आ रही है ये मैन एक मैन जो कुछ ढूंढ रहा है सीकिंग मैन ट्वेंटी एट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है आप लोगों के लिए एज नाइनटीन ट्वेंटी टू ट्वेंटी एट हो सकती हैं प्रोमिनेंट एंड आप ना बहुत टाइम से कोई चीज़ ढूंढ रहे हो कोई रिश्ता ढूंढ रहे हो कोई रास्ता ढूंढ रहे हो कोई मंजिल ढूंढ रहे हो डेफिनेटली नेक्स्ट सिक्स मंथ्स में आप फाइनली वहाँ तक पहुँच जाओगे अपने डेस्टिनेशन तक एंड द लास्ट कार्ड इज ट्री द कार्ड नंबर फाइव ट्री इज इम्प्लाइंग कि नेक्स्ट सिक्स मंथ्स में डेफिनेटली आपका जो भी प्लान है जो भी प्लान है आप जो भी सोच रहे हो जो भी आपके माइंड में है आप लोग पूरी तरह से फ्लोरिश कर जाओगे पूरी तरह से ग्रोन अप कर जाओगे वेल में में हो जाओगे आपके में आपके लाइफ लाइफ आएगी सिक्योरिटी जिन चीजों की आपको तलाश है जिन, जिन मंजिलों की आपको तलाश है वो रास्ते ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएंगे आपको आपकी मंजिलें मिल जाएंगी एंड देखिए अलग अलग लोगों की अलग अलग ख्वाहिशें होती हैं तो मैं कोई सीनारियो नहीं बना रही हूँ ओवरऑल बता रही हूँ कि ये कार्ड्स मुझे क्या कह रहे हैं आप लोग अपनी मंजिलों को छूएंगे ऊंचाइयों को छूएंगे एंड बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाएंगे तो नेक्स्ट सिक्स मंथ्स आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन रहने वाले हैं जो एडवाइजेस दिए हैं अगर आपको पसंद आ रहे हैं रेजनेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनको फॉलो करना एंड uh, हो सके तो शिव पूजा शिवजी पर पंचामृत चढ़ाना शिवलिंग पर ये सब चीजें आप कर सकते हैं अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहिए ऑप्टिमिस्टिक रहिए नेक्स्ट सिक्स मंथ्स आपके लिए अमेजिंग एंड वंडरफुल रहने वाले हैं राइट right? तो ये थी जिन्होंने पाइल टू चूज किया उनके लिए रीडिंग रिजनेट की होगी होप पसंद आई होगी फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स भी बुक करा सकते हैं अभी के लिए इतना ही एंड पर्सनल पेड रीडिंग्स की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी अवेलेबल है बाय फॉर नाउ हैव अ गुड डे टेक केयर